आपको बुलेट ट्रेन का रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा लेके आया हूँ, कुछ खास जो कुछ नया है, कुछ यूनिक, जो कि इस वीडियो में यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, आपको पता चल ही गया होगा कि क्या यहाँ पे सूरत का बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। मैं आपको अभी यह बैकग्राउंड से दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका पूरा अपडेट सामने से दिखाऊंगा, इसके पास ले जाके दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे बुलेट ट्रेन का काम इतना स्पीड से हो रहा है सूरत में, मुंबई और अहमदाबाद के बीच का है। सूरत में यह है, यहाँ पे कहाँ पे बुलेट ट्रेन का ये डेपो बन रहा है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है यहाँ पे बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ पे सूरत के अंदर जो काम चल रहा है बहुत जल्दी ही यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। आप जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको बुलेट ट्रेन का स्टेशन के पास मैं आपको ले जाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं पीछे बुलेट ट्रेन का स्टेशन कितना बड़ा काम यहाँ पे चल रहा है, कितना बड़ा लोहे के साथ यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत मजबूती से इसको लोहे का काम जो है यहाँ पे हो रहा है, कितना लेबर यहाँ पे स्पीड से काम कर रही है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सूरत का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे कितनी मजबूती से यहाँ पे काम हो रहा है ना। ये है आपको ये दिल्ली मोड़ा है, एक बार चल जाए बारह स्टेशन बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल 12 स्टेशन है जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो ट्रेन शुरू होने वाली है, टोटल 12 स्टेशन बन रहे हैं। इसका सर्विसिंग होगा नेहल, नेहल बना है, वहाँ तैयारी हो गया, गाड़ी उतरेगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बुलेट ट्रेन का जो काम है, ये जो काका है ये सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे काम करते हैं, जो कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन का जो काम है वहाँ पे जो काम हो रहा है दिल्ली से, वहाँ से लेके उधर बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेशन बनने वाला है, जो कि 2027 प्रोजेक्ट काम पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी इस पर ट्रेन चलने लगेगी। काका का कहना है कि सदर को नीचे कलर को लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक कलर ऊपर लगाया जाता है, तो आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग और कितनी मजबूती से यहाँ पे काम हो रहा है। हमारी जो भारत सरकार है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो ट्रेन का काम प्रोजेक्ट जो काम चालू किया है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूती के साथ, बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ पे लेबर काम करती है, कि सेफ्टी का ख्याल ज़्यादातर रखा जाता है। जो प्रोजेक्ट है एलएचटी ने लिया हुआ है, जिसका नाम लार्जर टर्बो है। ये जो मशीन है काका कहना है कि पिलर दर्शाता है, जो पिलर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीचे बहुत ज़्यादा पिलर पहले नीचे लेगा, बाद में एक पिलर ऊपर तैयारी होता है। हाँ बनता है, बोलो सेफ्टी के साथ काम हो रहा है, सारी जो लेबर है वो सेफ्टी के साथ यहाँ पे काम करते हैं, विदाउट सेफ्टी किसी को अलाउड नहीं है, इनके जाने के लिए हेलमेट और सेफ्टी शूज के ये लोग काम करते कर हैं। काका देखते हैं कौन हेलमेट पहन रहा है, कौन सेफ्टी शूज नहीं पहन रहा है, उसको उसको हटा दिया जाता है कि आप पहले सेफ्टी के साथ आइए। एलएनटी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, जो एलएनटी को प्रोजेक्ट दिया गया बहुत सेफ्टी के साथ, सब चाहिए, पूरा सूट के साथ काम करती है, सेफ्टी सूट जो होता है, लेबर यहाँ पे जो है पीले हेलमेट और जो इंजीनियर्स का हेलमेट होता है सब लिए हुआ है, इंजीनियर हो चाहे सेफ्टी वाले हो, सबको सेफ्टी सबने। अभी हम रोड पर आए, हेलमेट उतार भी है, हेलमेट हम भी लगाते हैं, हेलमेट लगा दो। हाँ ये काका बाहर है इसलिए इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, नहीं तो इनको भी हेलमेट लगाना जरूरी होता है, अगर ये अंदर जाते हैं तो इनके पास तो सेफ्टी सूट। तो अंकल ने बताया कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे बताया कि लेबर सेफ्टी के साथ यहाँ पे काम करती है बहुत ही, और जो सेफ्टी के साथ काम करती है उसको निकाल दिया जाता है, यहाँ पे जो लेबर्स है इंजीनियर्स है सबको सेफ्टी
क्वालिटी के साथ काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको बुलेट ट्रेन का रेगुलर अपडेट देता रहूँगा, जहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा मुंबई के अंदर, जो कि समुद्र के अंदर कहाँ पे बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, कैसे बन कहाँ पे समुद्र के अंदर जो स्टेशन बन रहा है उसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ।